हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। माय नेम इज़ दुर्वा विक्रांत नाइक फ्रॉम कामोठे ब्रांच। गुरुकुल ज्वाइन करने के लिए जो मुझे स्ट्रगल करना पड़ा है वो आपके साथ मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। एक्चुअली गुरुकुल की ऑनलाइन इंक्वायरी मैंने की थी, पर इतने महीने हो गए कि मैं ज्वाइन नहीं कर पा रही थी, कॉन्टैक्ट नहीं ज़्यादा कर पा रही थी और हस्बैंड को कन्विंस भी नहीं कर पा रही थी। फिर 21 डेज का जो उनका सेशन चल रहे थे वो भी मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन नहीं अटेंड कर पा रही थी क्योंकि हस्बैंड भी कन्विंस नहीं हो रहे थे। एक दिन महिमा मैम से बात हुई, महिमा मैम बोली कि आप हस्बैंड के साथ ब्रांच में आ जाइए। हम लोग चले गए, महिमा मैम ने जो हमें एक्सप्लेन किया और जो समझाया, जो कन्विंस किया वो बहुत ही अच्छा था। हस्बैंड तुरंत कन्विंस हो गए और मेरा गुरुकुल का सफ़र स्टार्ट हो गया। फिर गुरुकुल में मेरी सिस्टर्स जो है, नए नए सिस्टर्स से मुलाकात हुई, वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। उनकी केयरिंग पर्सनालिटी और वो जो हमारे प्रति उनका व्यवहार है बहुत अच्छा है, बहुत सपोर्टिव है। और महिमा मैम तो हमारे लिए पिलर है, उनको देखते ही हमें बहुत पॉजिटिविटी आती है और बहुत खुशी होती है और फिर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, नहीं होगा, बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज होगा। तो थैंक यू महिमा मैम। और गुरुकुल के लिए मैंने जो दो पंक्तियाँ लिखी है वो मैं आपको बोलना चाहूँगी। सबके लिए जीते जीते थक गई थी मैं, फिर भी सब में कुछ ना कुछ कम पड़ रही थी मैं। हंसना हंसाना, खुद के लिए ज़िंदगी जीना भूल गई थी मैं। फिर एक नई सुबह हुई, गुरुकुल ने अपनाया, तभी से एक नए दौर की शुरुआत हुई। हंस रही हूँ, खेल रही हूँ, खुश हूँ मैं, मेरे नए परिवार को जान रही हूँ मैं। कहीं पर तो अच्छा ही कि जो गुरुकुल से जुड़ गई हूँ मैं, अभी सभी जगह पर चहक रही हूँ मैं। तो ये एक्सपीरियंस गुरुकुल का है और जो गुरुकुल के मेरे ब्रदर्स और बाकी ब्रांच के सिस्टर्स है उनका भी व्यवहार बहुत अच्छा है, बहुत सपोर्टिव है। ये सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो गुरुकुल को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका सपोर्ट और जो मोटिवेशन है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और ज़िंदगी में हमेशा हमारे साथ ये रहने वाले हैं। ये जो पीरियड चल रहा है, ये जो हम क्लास अटेंड कर रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत गोल्डन डेज है, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है। और हम ऐसे फील करना स्टार्ट कर लिया है कि हम लोग इंडिपेंडेंट हो रहे हैं और उसके लिए जो कॉन्फिडेंस आ जाता है वो तो हमारे मतलब हम में आ गया है। हम खुद फील कर रहे हो, मैं फुल फील कर रही हूँ। और जो रहता है डिसीजन मेकिंग वगैरह, वो भी उसमें भी डेवलपमेंट हो रही है, खुद की खुद में जो डेवलपमेंट हो रही है वो मैं फील कर रही हूँ और ये सब गुरुकुल की वजह से ही है। तो थैंक यू गुरुकुल, माय सिस्टर्स, ऑल सिस्टर्स, माय ब्रदर्स और महिमा मैम, स्वरा मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू गुरुकुल।